दरियाए रावी का पुराना पुल 26 अप्रैल 1967 को तामीर हुआ, लेकिन अब यह टूट फूट का शिकार है, जिसे महकमा हाईवे ने हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और आवाम को खबरदार करने के लिए एक बोर्ड भी पुल पर लगा दिया। इसके बावजूद इस खस्ता हाल पुल पर छोटी ट्रैफिक के साथ साथ हैवी ट्रैफिक भी जारी है। राहगीर इसका तमाम तर जिम्मेदार पुल पर तैनात पुलिस एहलकारों को ठहराते हैं। खलोते होना कोरोना ने वो आपरे छले आगन जान दे देने ओ करन होते बड़ी रफ बना दी है, सारा दिन ट्रैफिक जाम रहती, पुल टूट जाता, बार बार मरम्मत कर देने फिर टूट जाता, क्योंकि हैवी ट्रैफिक जाने की छोटी ट्रैफिक वास्ते भी रक्षा आया, खोता रेड़ा आया, टांगा आया, इन चीज़ों वास्ते भी, लेकिन हैवी ट्रैफिक जी गुजरती है खराब होता जा रहा। पुल पर तैनात पुलिस एहलकारों का कहना है कि नए रावी पुल पर ट्रैफिक का रश ज्यादा हो तो ड्राइवर पुराने पुल का रुख करते हैं, जिसे वो रोकने से कासिर हैं। एहलकार ट्रैफिक के दबाव की तमाम तर जिम्मेदारी ट्रैफिक वार्डन्स पर आयद करते हैं। नवे रावी पुल से चैकिंग जी सख्त है, वो इधर हैवी ट्रैफिक जो फस दी है इधर गुजरना शुरू कर देंगे ने, और इधर भी ट्रैफिक फस जाती है फिर ना उन्होंने बैक मोड़ सकते हैं, असं वापस भेज सकते हैं। ट्रैफिक वार्डन वाले की ड्यूटी है उन्होंने इन्हों रोकन या पिछले बैरीयर लाण, बैरीयर ला के या जिस तरह हैवी ना गुजरे, कारा के रक्षे वगैरह गुजरने इधरों। राहगीरों का कहना है कि अगर ये पुल खस्ता हाली का शिकार है तो इसे मुकम्मल तौर पर दीवार या बैरियर लगाकर बंद करके इसे सिर्फ पैदल चलने वालों की गुजरगाह बना देना चाहिए, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। महकमा हाईवे की जानिब से इस पुल की मुकर्रा मियाद खत्म होने के बाद ये पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन इस हुक्म के बावजूद इस पुल पर हर किस्म की ट्रैफिक रवा दवा है, जो किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ इमरान यूनुस, सिटी 42।